बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी हियर फ्रॉम खेटीपी। टुडे वी आर गोना डू एक्सरसाइज 2.5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हमने गिवन लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे आंसर की तरतीब कुछ यूं हो जाए: लॉग एक्स, लॉग वाई एंड लॉग जी। सो लेट्स सॉल्व इट परफॉर्मिंग द लॉगरिथमिक ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स डिस्कस किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स की वीडियो नहीं देखी, वो जरूर जरूर वो वीडियो देख लें। पार्ट वन, आप देख सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड लो नंबर वन यानी के प्रोडक्ट लो के मुताबिक हम इन्हें प्लस कर देंगे, इन दोनों की एडिशन होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो इस पर लो नंबर टू यानी के कोशेंट लो लगेगा और कोशेंट लो के मुताबिक इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोग बेस ए, इन दोनों को अलग अलग शो करेंगे, तो एक्स क्यूब। अब हम प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। अब इसी तरह हम वाई को लॉग के साथ शो करेंगे, लॉग बेस ए y। यू कैन सी दैट मल्टीप्लीकेशन हैज बिकम एडिशन। आइए अब हम डिवीजन पर काम करते हैं। जब डिवीजन हो रही होती है तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस का निशान लगाइए, लॉग बेस a z2 जी स्क्वायर। याद रखिए कि आपने x, y एंड z तीनों के साथ अलग अलग लॉग बेस a शो करना है। लॉ नंबर थ्री यानी के पावर लॉ के मुताबिक अगर आर्गुमेंट के ऊपर पावर होगी तो उसे हम लॉग से पहले लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज आर्गुमेंट, इसके ऊपर पावर है, इसे शुरू में लेकर आएंगे, यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर पावर टू है। तो आइए इन पावर्स को यहाँ से रिमूव करके लॉग से पहले प्लेस कर देते हैं। थ्री लॉग बेस ए एक्स प्लस इस आर्गुमेंट की पावर वन है, वन हम नहीं लिखते, तो लिहाजा डायरेक्ट लिख दीजिए लॉग बेस ए वाई माइनस, यहां देख सकते हैं आप पावर टू है, इसे पहले लिखेंगे। अब आप लिखेंगे लॉग बेस ए जी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और यू नो वेरी वेल इसकी वैल्यू 1/2 होती है। So let's change the radical to the exponential form. Log a bracket लगाइए x y z
दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये मेन पावर x, y और z तीनों के ऊपर रख दीजिए। लुक लोग बेस a, ये हमने इसके ऊपर पावर रखी। नाउ y स्क्वायर्ड, यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड z इसके ऊपर भी रख दीजिए। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, टू और टू कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉग बेस ए, नो नीड ऑफ ब्रैकेट। नाउ वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स। वाई वन नहीं लिखते, जी यू कैन सी एक्स वाई जी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन बिकम्स एडिशन। सो लेट्स गो फॉर इट। लॉग बेस ए x टू द पावर 1/2 प्लस का निशान लगाइए। लॉग को दोबारा लिखना होगा, लॉग बेस ए y, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। वंस अगेन द साइन ऑफ प्लस, लॉग बेस ए जी और इसकी पावर है 1/2। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। पावर्स नजर आ रही हैं 1/2, वाई की 1 है, जी की 1/2 और लॉ नंबर 3 यानी के पावर लॉ के मुताबिक इन पावर्स को लॉग से पहले प्लेस करना होगा, यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। वी गेट 1/2 लॉग बेस ए एक्स, इनको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस यहाँ वाई की पावर 1 है, 1 नहीं लिखा जाता, सो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। लॉग बेस ए और आर्ग्यूमेंट है वाई, प्लस इस पावर को शुरू में लेंगे 1/2। अब लॉग लिख दीजिए, लॉग बेस ए जी। क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जेड? जेड इज ब्रिटिश एंड जी इज अमेरिकन। So we have done it and this is our required answer. I hope you have understood it. So now let's go for the next part. Part 3. Dear students, iska solution lengthy hai but it's interesting. Please follow the instructions. First step mein humne ye karna hai ke log base a ko yahan par bhi show karna hai. क्योंकि ये तो दोनों एक्सप्रेशंस के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप में हम बिगर रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, यानी के रेडिकल को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू यू नो 1/3, ठीक है। यहाँ से भी हम बिगर रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आएंगे, इसकी वैल्यू 1/2 है। जो स्मॉलर रेडिकल्स हैं इनको फ़िलहाल हम रहने देंगे, इनको आगे जा कर के रिमूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग बेस ए शो करेंगे, लॉग बेस ए, रेडिकल साइन को रिमूव किया, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स टू द पावर -1। इस रेडिकल साइन को रहने देंगे, वाई क्यूब्ड, इसकी वैल्यू 1/3, जो कि यहाँ पर मेन पावर बन जाएगी। लेट इट बी देयर एज इट इज। अब इस एक्सप्रेशन के साथ भी लॉग बेस ए लिखेंगे, रेडिकल साइन को रिमूव किया, वी आर लेफ्ट विद वाई क्यूब्ड, स्मॉलर रेडिकल साइन अपनी जगह पर मौजूद है, इसकी वैल्यू 1/2 होगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट स्टेप में हम दो काम करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखेंगे, इसी तरह इस पूरे एक्सप्रेशन को अलहदा ब्रैकेट में रखेंगे, और इसके अलावा यहाँ से भी रेडिकल साइन हटाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म शो करेंगे। यहाँ पर से भी रेडिकल साइन हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ब्रैकेट शो करते हैं, लॉग बेस ए एक्स टू द पावर -1। इस रेडिकल साइन को हम रिमूव करते हैं और इसकी वैल्यू होगी 1/2, जो कि इसके ऊपर रखेंगे, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। आइए ब्रैकेट को बंद करते हैं और मेन पावर एज इट इज। हम यहाँ पर ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और वर्किंग इजीली हो जाए। लॉग बेस ए वाई क्यूब्ड, यहाँ से रेडिकल को रिमूव करते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स और इसकी वैल्यू 1/2। इस मेन पावर विल कम एज इट इज। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम मेन पावर से अंदर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। सो लेट्स गो फॉर इट। लेट द ब्रैकेट्स बी देयर एज दे आर। लॉग बेस ए -1 इसकी पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे मेन पावर से 1/3। इसी तरह y, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 बन जा 3/2, और इसको भी मेन पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोज द ब्रैकेट। लेट इट बी एज इट इज। सेम वर्किंग हियर, लॉग बेस ए वाई क्यूब्ड, मेन पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
नाउ एक्स टू द पावर 1/2, इसको भी मेन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आइए पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग बेस ए ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस 1/1, 3 एज इट इज बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 3 कैंसिल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 1/2, क्लोज द ब्रैकेट। लेट इट बी देयर एज इट इज, सेम वर्किंग हियर, ओपन द ब्रैकेट, लॉग बेस ए अब वाई मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3/2, नाउ एक्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 एंड 2/4, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट लॉ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन बिकम्स एडिशन, सो लेट्स गो फॉर इट, लेट द ब्रैकेट बी देयर, लॉग बेस ए, पहले एक्स को ले लेते हैं, प्लस कर देंगे, अब लॉग बेस ए दोबारा लिखना होगा। नाउ वाई टू द पावर 1/2, क्लोज द ब्रैकेट। प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक्स को पहले लिखेंगे ताकि ऑर्डर ठीक हो जाए, इससे मैच करेगा। लॉग बेस ए पहले इसे लिख देते हैं, टू द पावर 1/4, प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लिकेशन एडिशन बन जाती है, सो पुट हियर प्लस, लॉग बेस ए बाय 3/2, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वोशेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यू नो डिवीजन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। लॉग बेस ए ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 प्लस लॉग बेस ए ऑफ वाई टू द पावर 1/2, इसे हटा देते हैं, इसके बदले माइनस लगाते हैं। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, लॉग ए ऑफ एक्स टू द पावर 1/4 प्लस लॉग बेस ए अब वाई टू द पावर 3/2, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में इस पोर्शन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं,
आइए अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस लॉग बेस ए अब एक्स टू द पावर 1/4 माइनस प्लस माइनस लॉग बेस ए अब वाई टू द पावर 3/2। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर लॉ अप्लाई करते हुए जितनी भी पावर्स हैं इनको लॉग से पहले प्लेस कर देते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। माइनस 1/3 इसे हम शुरू में लेकर आ रहे हैं, माइनस 1/3 इसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। इसी तरह इसकी पावर 1/2 अब इसे कॉपी कर लीजिए, लॉग बेस ए ऑफ वाई माइनस अब ये इसको पहले लेकर आएंगे, लॉग बेस ए ऑफ एक्स माइनस अब इस पावर को लेकर आइए 3/2 एज इट इज कॉपी कर लीजिए, लॉग बेस ए लॉग बेस ए ऑफ वाई। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि इसकी मैचिंग इससे हो रही है। क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो चुका है तो ऑर्डर में लाने के बजाय हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस 1/3 और यहाँ से माइनस 1/4 ले लेते हैं, इनको ब्रैकेट में रखिए, और लॉग बेस ए एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आइए इन्हें कॉमन ले लेते हैं, एक ही दफ़ा लिखना होगा, लॉग बेस ए एक्स। ये हाईलाइट होना रह गया, लेट मी कंप्लीट इट। नाउ इट्स डन। सेम प्रोसेस इनके साथ भी करते हैं, तो आइए पहले 1/2 यहाँ से पिक करते हैं, 1/2 और माइनस 3/2 यहाँ से, आप चाहें तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं आसानी के लिए। ये देखिए ये लॉग बेस ए वाई यहाँ पर भी मौजूद है, कॉमन ले लेते हैं, एक ही दफ़ा लिखना होगा, अब लॉग बेस ए वाई। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इनका एलसीएम ले लिया हमने जो कि 12 है, थ्री फोर ज़ा 12, 1/4 ज़ा 4, माइनस का साइन आएगा, 4 3 ज़ा 12, सो 1 3 ज़ा 3, कॉपी दिस एज इट इज, लॉग बेस ए ऑफ एक्स। आइए इसी तरह इसे भी सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, सो इट्स वेरी सिंपल, 1
माइनस थ्री लॉग बेस ए ऑफ वाई इसे भी ब्रैकेट में कर दीजिए, एक जैसा होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह हमारे पास आया माइनस सेवन ओवर ट्वेल्व लॉग बेस ए ऑफ एक्स। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, इसे आप समझ लीजिए, प्लस माइनस 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 करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस टू, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ माइनस वन बचेगा। तो ये प्लस अंदर जो माइनस वन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस वन नहीं लिखते तो लिहाजा अब हम डायरेक्ट लिखेंगे लॉग बेस ए वाई। एक बार फिर समझ लीजिए, प्लस माइनस 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 करेंगे तो माइनस टू बचेगा, टू टू से कैंसिल होगा तो ऊपर रह जाएगा माइनस वन, प्लस माइनस माइनस वन नहीं लिखते तो लिहाजा हमने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट फोर। आइए फर्स्ट स्टेप में इस रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आते हैं, इसकी वैल्यू 1/2, और इस रेडिकल साइन को भी रिमूव करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेकर आएंगे और इसकी वैल्यू होगी 1/3। सो लेट्स गो फॉर इट, लॉग बेस ए एक्स, रेडिकल साइन हम रिमूव कर रहे हैं, सो वी गेट वाई क्यूब्ड और रेडिकल साइन की वैल्यू को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, इस रेडिकल साइन को भी रिमूव करते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद जी स्क्वेर्ड एंड एक्स टू द पावर 5। इस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/3, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लॉग बेस ए मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बंदा थ्री अपॉन टू, इसी तरह इस मेन पावर को इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वी गेट इससे मल्टीप्लाई हमने किया और एक्स टू द पावर 5 इससे भी कर दीजिए। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लॉग बेस ए कॉपी दिस एज इट इज आइए मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट जी टू वन जा टू अपॉन थ्री, लाइकवाइज एक्स फाइव वन जा फाइव अपॉन थ्री। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड मल्टीप्लिकेशन बिकम्स एडिशन। इसी तरह यहाँ पर क्वोशेंट लॉ अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इस न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे
सो लेट्स गो फॉर इट। थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करूँगा ताकि पूरा आ जाए। लुक, लोग, बेस ए, पहले हमने एक्स को लिया, अब प्लस का निशान लगा देंगे, ये प्लस हो रहे हैं, अगेन लोग बेस ए अब वाई टू द पावर 3/2। इसी तरह इसे माइनस करेंगे, याद रखिए कि लोग बेस ए इसके लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। सो लेट्स राइट इट डाउन, इसे लिखेंगे अब हम यहाँ पर और इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, लॉग बेस ए जी टू द पावर 2/3 एक्स टू द पावर 5/3। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लिहाजा प्रोडक्ट लॉ कैन बी अप्लाइड। सो लेट्स गो फॉर इट, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे। एज इट इज कॉपी हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मल्टीप्लीकेशन बिकम्स एडिशन। तो आइए यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। सो वी गेट लॉग बेस ए जी 2/3, अब प्लस का निशान लगा दीजिए, वंस अगेन वी विल कॉपी दिस, एंड लॉग बेस ए एक्स टू द पावर 5/3। आई यूज डिफरेंट कलर्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजिली। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है एज इट इज, आई एम नॉट गोना रिकॉर्ड इट बिकॉज द वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। कॉपी इट, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जो साइंस हैं उनसे माइनस प्लस माइनस, लॉग बेस ए ऑफ जी टू द पावर 2/3 माइनस प्लस माइनस, सो वी गेट लॉग बेस ए एक्स टू द पावर 5/3। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे और इन पावर्स को लॉग से पहले प्लेस कर देंगे। तो देखिए इसकी पावर 1 है, 1 नहीं लिखते, सो इट विल कम एज इट इज, लॉग बेस ए एक्स प्लस, इस पावर को पहले लिखेंगे 3/2, अब इसे लिख दीजिए, लॉग बेस ए वाई माइनस, पावर को पहले लिखिए 2/3, अब लिखिए लॉग बेस ए जी माइनस,
पावर को पहले ले आइए, 5/3 लॉग बेस ए अब एक्स। आइए लाइक टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, सो वी गेट लॉग बेस ए अब एक्स माइनस 5/3 लॉग बेस ए अब एक्स। अब इनको कॉपी कर लेते हैं, अलग अलग कवर लेते हैं वीडियो। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लॉग बेस ए एक्स यहाँ पर भी मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -5/3। तो आइए इनको पहले हिसाब में ले लेते हैं, सो वी हैव 1 हेयर एंड हेयर वी हैव गॉट -5/3 लॉग बेस ए अब एक्स कॉमन है तो एक ही दफा लिखेंगे। लेट्स कॉपी दिस एज इट इज एंड आई एम नॉट गोना रिकॉर्ड इट, आई कॉपी इट, इट्स डन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, 3 × 3 -5 सो वी गेट -2/3। नाउ this all will be copied as it is, so let's copy it. So students, this is the end of the solution and this is our required answer. We have completed this question. Part 3 and 4 have been very lengthy, but I have tried my level best to explain you in simple ways and I hope you have understood each and everything fully well. Thank you.